सो गाइस देखिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन एंड लो कंपटीशन वर्क फ्रॉम होम जॉब्स का प्लेटफॉर्म लेकर के आई हूँ, ठीक है, जहाँ पे आपको बहुत ही इजी वर्क फ्रॉम होम जॉब्स करने को मिलती हैं। आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जो कि काफ़ी इजी होते हैं, ठीक है, एंड एक एक प्रोजेक्ट का आप यहाँ पे $20 to $100 तक अर्न कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी अर्न कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल से प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आपको करने को मिलते हैं, ठीक है। अभी मैं थोड़ी ही देर में आपको सारी चीज़ें बताऊँगी, ठीक है। उससे भी अच्छी बात देखो ये है कि यहाँ पे आप लोग इन प्रोजेक्ट्स को सिर्फ अपने स्मार्टफोन को यूज़ करके कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप की ज़रूरत नहीं है, एंड इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि इवन अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप हाउसवाइफ हैं, आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप नहीं है, बट अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप लोग भी ज़रूर इन जॉब्स के लिए अप्लाई करें, ठीक है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी जॉब्स हैं। इवन मैंने यहाँ पर आपको सारी चीज़ें अपने मोबाइल फ़ोन में ही एक्सप्लेन करी हैं, ठीक है, ताकि हर कोई आसानी से यहाँ पे चीजों को समझ पाए, ताकि वो फिर खुद से उन चीजों को इंप्लीमेंट कर पाए इजीली। इसके साथ साथ देखो गाइस एक और प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो भी आपका पे आउट होगा उसे आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी एडवांटेज है इस प्लेटफॉर्म पे काम करने की। एंड देखो ये जो प्लेटफॉर्म है, हालांकि इसको बहुत टाइम हो चुका है रन करते हुए, ठीक है, अराउंड 30 ईयर्स इस प्लेटफॉर्म को हो चुके हैं, काफी पुराना प्लेटफॉर्म है, बट स्टिल इस पे जो कॉम्पिटिशन है वो काफी कम है, ठीक है, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो बहुत कम लोग ही इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानते होंगे। तो अगर आप अभी यहाँ पे टाइमली इसके लिए रजिस्टर करके अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पे आपको जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आसानी से मिल सकते हैं। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में आपको किस तरीके का काम करना होता है, कैसा पे आउट आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ अपने स्मार्टफोन का यूज़ करना है यहाँ पे काम करने के लिए, तो आपने क्या करना होता है, आपको यहाँ पे डेटा कलेक्शन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, डेटा कलेक्शन या डेटा एनोटेशन से रिलेटेड, जिसमें आपको डेटा को कलेक्ट करना होता है। अब डेटा को आप कैसे कलेक्ट करोगे, आप गूगल सर्च के थ्रू भी कलेक्ट कर सकते हो, आप खुद से भी डेटा को कलेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल फोन, स्मार्टफोन। कैसे, आप वीडियो रिकॉर्डिंग्स बना सकते हो, ठीक है, आप फोटोज क्लिक कर सकते हो, इस तरीके का काम आपने यहाँ पे करना होता है। बट यहाँ पे आउट जो है वो काम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा आपको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको फोटोज़ वगैरह कैप्चर करने का, सिंपल सी फोटोज़ आपको कैप्चर करनी है, एंड उसका यहाँ पे आपको इतना अच्छा अमाउंट मिल रहा है, ठीक है, आपको कहीं पे $20 मिल रहा है, आपको $100 में यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है, आपको $30 मिल सकता है। तो बहुत अच्छा पे आउट ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको देता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल से काम का। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करके इसको यहाँ पे जो जॉब्स हैं, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए ज़रूर अप्लाई करें, उनको ट्राई करें। अभी मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अपने मोबाइल फ़ोन में ही एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे कि कैसे आपने इसे एक्सेस करना है, कैसे किस तरीके के टास्क यहाँ पे मिलते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक देखें, कुछ भी स्किप ना करें, ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आए एंड फिर खुद से आप लोग इस प्लेटफॉर्म पर काम कर पाएं। सो हाय गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल, मेरा नाम है निशा और आप देख रहे हैं बेस्ट इनकम सीक्रेट्स। सो गाइस चलिए अब देर न करते हैं, मैं आपको चलती हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड आपको बताती हूँ उस प्लेटफॉर्म के बारे में। सो गाइस देखिए आज की वीडियो में जिस प्लेटफॉर्म के बारे में हम लोग बात करेंगे, इस प्लेटफॉर्म का नाम है transperfect.com, ठीक है। तो गाइस ये जो प्लेटफॉर्म है ये काफी पुराना है, करीबन 30 ईयर्स इस प्लेटफॉर्म को हो चुके हैं रन करते हुए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं transperfect was founded in 1992, ठीक है ना, तो बहुत पुराना प्लेटफॉर्म है, 100% genuine है। अब देखो गाइस ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक्चुअल में AI की फील्ड में काम करता है, ठीक है, बट यहाँ पे जो ये फिलहाल जो वर्क फ्रॉम होम जॉब्स जो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा बेसिक वर्क फ्रॉम होम जॉब्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी प्रायर स्किल्स या फिर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। एंड गाइस देखो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप की जरूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ पे जो भी टास्क होंगे, जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे, उनको आप अपने मोबाइल डिवाइस से ही कंप्लीट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आपको मिलते हैं जिन पे आपने काम करना होता है, ठीक है, एंड ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये एक्चुअली किससे रिलेटेड होते हैं, डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनोटेशन से। इसमें सिंपल सा काम आपको करना होता है, जैसे आपने फोटोज वगैरह कलेक्ट करनी है या फिर आपने ऑडियो रिकॉर्ड करनी है, तो इस तरीके का काम होता है जो कि डेटा कलेक्शन के अंदर आता है, ठीक है। बाय द नेम इट्स क्लियर, डेटा कलेक्शन डेटा को कलेक्ट करना थ्रू एनी सोर्सेस, ठीक है, थ्रू गूगल हो सकता है, थ्रू आप खुद से भी कलेक्ट कर सकते हो डेटा को, ठीक है, जैसे खुद से अगर आप फोटोज वगैरह खींच के डेटा को कलेक्ट करोगे तो वो आपका अपना डेटा होगा,
ठीक है। तो इस तरीके से आपने डेटा को कलेक्ट करना होता है। एंड डेटा एनोटेशन, देखो मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में कि डेटा एनोटेशन क्या काम होता है, कि जैसे आपको कोई भी पीस ऑफ डेटा दिया हुआ है, ठीक है, वो डेटा हमारा टेक्स्ट भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकती है, इमेज भी हो सकती है, ठीक है, तो उसमें आपको एनोटेशन देना होता है, मतलब आपको डेटा को लेबल करना है। लेट सपोज आपको एक इमेज दी गई है, तो उसमें आपने लेबल करना है कि उसमें कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि उस इमेज को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो होती है ना, ये चीजें एक्चुअल में मशीन लर्निंग में बहुत ज्यादा यूज होती है, ताकि जो हमारे एआई सिस्टम्स हैं वो अच्छे से ट्रेन हो सके। अब क्योंकि यहाँ पे आ रहा है अप्लाई फॉर जॉब्स एंड पेड प्रोजेक्ट्स विद डेटा फोर्स, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कर्सर रखना है एंड यहाँ पे आपने लर्न मोर पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप लर्न मोर पे क्लिक करोगे, तो इनकी जो पर्टिकुलर वर्क फोर्स कम्युनिटी है, ठीक है, जिसका नाम है डेटा फोर्स कम्युनिटी, इस पे ही आपको रिडायरेक्ट कर देगा, जो कि इनकी एक्चुअल वर्क फ्रॉम होम वेबसाइट है, ठीक है, जहां से आप वर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आप नीचे आओगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अर्न मनी बाय कंप्लीटिंग टास्क दैट हेल्प मेक एआई सिस्टम स्मार्टर एंड बिजनेसेस रन बेटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एक्चुअल में काम होगा वो किसके लिए होगा, एआई सिस्टम्स को ट्रेन करने के लिए, ताकि वो ज्यादा बेहतर बन पाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है सी व्हाट टास्क्स आर अवेलेबल, प्रीव्यू रिक्वायरमेंट्स एंड कंप्लीट टास्क फॉर मनी और फ्रॉम योर मोबाइल डिवाइस। तो गाइस अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। उससे पहले हम यहाँ पे जब थोड़ा सा नीचे को जाएंगे इनकी वेबसाइट पर, यहाँ पे एफएक्यूज का भी सेक्शन है इनका, तो यहाँ पे सारी चीजें आपको इजिली एक्सप्लेन करी गई है कि कैसे आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आपको काम करना स्टार्ट करना है, कैसे आप साइन अप करोगे, कैसे आपकी पेमेंट आएगी। एंड पेमेंट से रिलेटेड भी मैं बता दूं कि पेमेंट भी यहाँ पे आपको आपके बैंक अकाउंट में मिलती है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पेमेंट मेथड्स यहाँ पे कौन कौन से हैं, पेपैल है, अमेजोन गिफ्ट कार्ड है एंड वायर ट्रांसफर भी है, ठीक है। तो वायर ट्रांसफर में क्या होता है कि आपकी जो मनी है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमने क्या करना है, हमने यहीं पे जाना है, ठीक है, ज्वाइन अस पर, एंड उसके नीचे यहाँ पे देखो फाइंड प्रोजेक्ट्स का बटन लगा हुआ है, तो उसको हमें क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे प्रेजेंट है। अब क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए ये जो वर्क फ्रॉम होम जॉब्स प्रोवाइड करता है ये इंटरनेशनल ही करता है। जैसे ये जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है इनका, ये आप देख पा रहे हैं, ये मेक्सिको, ब्राजील एंड वियतनाम के लिए है। तो ऐसे यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया के लिए हैं, जो अभी फिलहाल रन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, तो देखो यहाँ पे एक इनका प्रोजेक्ट है जिसका नाम है मूव इमेज कलेक्शन, ठीक है। तो ये 3 कंट्रीज के लिए अभी ये प्रोजेक्ट इनका चल रहा है, दैट इज फॉर इंडिया, थाईलैंड एंड मैक्सिको, ठीक है। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है देखो प्रीव्यू जॉब पर, तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो उसकी सारी डिटेल्स जो है इस पर्टिकुलर जॉब की वो भी यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो मेन प्रोफाइल है वर्क की, दैट इज प्रोडक्ट स्कैनर फोटो कलेक्शन। तो यहाँ पे आपने देखो एक्चुअल में करना क्या है, द पर्पस ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू कलेक्ट फोटोज ऑफ सीरियल नंबर्स, एक्सपायरेशन डेट्स और कैरेक्टर्स फाउंड ऑन पैकेजिंग ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स व्हिच कैन बी परचेज्ड इन लोकल रिटेल लोकेशंस सच एज डिपार्टमेंटल स्टोर्स, सुपरमार्केट्स, कन्वीनियंस स्टोर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक्चुअल में क्या करना है कि जो भी आप सामान लेते हो, जैसे कोई डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया या मार्केट हो गया, ठीक है, तो वहां से जो भी आप पैकेज प्रोडक्ट लेते हो, परचेज करते हो, उस पर जो भी सीरियल नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है, एसकीयूज लिखे होते हैं उस पर, जो कि मतलब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, उन नंबर्स की फोटोज अलॉन्ग विद देयर एक्सपायरेशन डेट्स, ठीक है, उन प्रोडक्ट्स की जो एक्सपायरेशन डेट्स हैं, या फिर कोई कैरेक्टर्स अगर उस पर मेंशनड हैं, ठीक है, तो उन प्रोडक्ट्स की आपने यहाँ पे फोटोज लेनी होती है एंड वो आपने यहाँ पे सबमिट करनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्मार्टफोन डिवाइस से ही आपने यहाँ पे फोटोज वगैरह लेनी है, ठीक है, एंड टोटल आपने कितनी फोटोज यहाँ पे सबमिट करनी है, यू आर आस्क्ड टू सबमिट अ टोटल ऑफ 100 फोटोज, ठीक है, यहाँ पे 100 फोटोज आपने सबमिट करनी है, जो कि 20 डिफरेंट हाउस होल्ड आइटम से रिलेटेड होंगी, 20 प्रोडक्ट्स की फोटोज होंगी, यानी कि हर एक प्रोडक्ट की 5 फोटोज आपने यहाँ पे सबमिट करनी है, ठीक है। 20 कोई भी 20 प्रोडक्ट्स आप चूज कर सकते हो, जिसमें कि फूड आइटम्स हो सकते हैं, हाउस होल्ड आइटम्स हो सकते हैं, फिर उन 20 आइटम्स में से हर आइटम की आपने 5-5 फोटोज लेनी है, जिसमें ये सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, दैट इज सीरियल नंबर्स, एक्सपायरेशन डेट्स या कैरेक्टर्स जो भी फाउंड है ऑन द पैकेजिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे इस टास्क को कंप्लीट करना है। उसके अलावा देखो बाकी का क्राइटेरिया भी यहाँ पे दिया है कि 18 प्लस ईयर्स ऑफ एज के आप होने चाहिए, ठीक है, आप इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए एंड इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, या फिर
जो भी आपकी कंट्री की लैंग्वेज है उस कंट्री की लैंग्वेज में आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए, यानी कि हिंदी या फिर इंग्लिश, दोनों लैंग्वेजेस को अगर आप अच्छे से समझ सकते हैं तो आप इस टास्क के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो यहाँ पे आपका स्मार्टफोन डिवाइस भी है उसका भी जो रेजोल्यूशन है वो काफी कम, मतलब ओनली 1 पिक्सल इन्होंने मांगा हुआ है, तो अगर सिर्फ 1 मेगापिक्सल की कैमरा रेजोल्यूशन है तो आप यहाँ पे फोटोज ले सकते हो। उसके अलावा देखो यहाँ पे जो आपको कंपेंसेशन दिया जाएगा या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट का जो भी आपको पे आउट मिलेगा दैट इज 1.50 USD पर ईच एक्सेप्टेड सेट ऑफ 5 फोटोज फॉर ईच ऑफ द 20 प्रोडक्ट्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से आप लोग इन टोटल $30 अर्न कर सकते हो, ठीक है, जो कि INR में 2400 रुपीज होता है। तो बहुत ही सिंपल सा टास्क है, आई होप कि आप सभी लोग इसको कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए गाइस यहाँ पे इन्होंने अपना पेमेंट मेथड भी बता रखे हैं, ठीक है, कि किस किस मेथड के थ्रू आप लोग यहाँ पे पेमेंट ले सकते हो। जैसे अगर आप इंडिया को बिलोंग करते हो तो आप पेपैल, गिफ्ट कार्ड एंड वायर ट्रांसफर में से किसी भी सोर्स के थ्रू आप लोग पेमेंट ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो अगर आपने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपने क्या करना है, आपने नीचे आना है, यहाँ पे एक इनका फॉर्म दिया हुआ है एंड बहुत ही इजी एप्लीकेशन प्रोसेस है, ठीक है। सिर्फ आपने यहाँ पे अपनी सिंपल डिटेल्स वगैरह डालनी होती है, ठीक है, आपने अपना फर्स्ट नेम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, कंट्री ऑफ रेसिडेंस देना है, फोन नंबर डालना है एंड फिर टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है एंड फिर यहाँ पे आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद गाइस आपने अपनी थोड़ी सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, ठीक है, जैसे आपने अपना जेंडर डालना है, अपनी ईयर ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है, उसके बाद जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है वो आपने डालनी है, उसके बाद देखो जो भी आपकी कंट्री ऑफ रेजिडेंस है उसके हिसाब से जिस भी लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी है वो आपने डालनी है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपको यहाँ पे इंग्लिश में कोई भी गाइडलाइंस वगैरह दी जाती है तो क्या आप उनको अच्छे से रीड एंड फॉलो कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपने येस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ही आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप कोई स्मार्टफोन ओन करते हो, क्योंकि आपको एक इनकी ऐप है जिसका नाम है डेटा फोर्स कंट्रीब्यूट ऐप, तो उसे आपने अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करना होगा इस पर्टिकुलर काम के लिए, तो यहाँ पे आपको येस पे क्लिक कर देना है। बस इतनी डिटेल्स आपने यहाँ पे देनी है, ठीक है, एंड उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी जो आपका फॉर्म है वो रिव्यू किया जाएगा इनके थ्रू, ठीक है, जो आपकी एप्लीकेशन है वो रिव्यू होगी एंड अगर इनको लगेगा कि यस मैचिंग प्रोफाइल है ये तो ये आपको फिर कॉन्टैक्ट करेंगे ओवर द ईमेल, ठीक है, तो आपने ईमेल चेक करते रहना है एंड स्पैम फोल्डर भी आपने अपना ईमेल का चेक करना है, ठीक है। उसके अलावा देखो गाइस एक और प्रोजेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, जिसका नाम है बैनियन इन कार ऑडियो डेटा कलेक्शन प्रोजेक्ट, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का जो पर्पस है दैट इज टू इम्प्रूव इन कार वॉइस असिस्टेंट कमांड सिस्टम्स, ठीक है, तो इसमें आपने एक्चुअल में क्या करना है, आपने रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है, यू विल रिकॉर्ड अ प्रोवाइडेड सेट ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस इन 3 शॉर्ट सेशंस। तो यहाँ पे आपने 3 सेशंस में मतलब 3 बार अलग अलग आपने यहाँ पे 3 इंग्लिश के सेंटेंसेस को रिकॉर्ड करना है जो कि ये आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। कब करना है, एक आपने मॉर्निंग में करना है, एक आफ्टरनून में करना है एंड एक आपने इवनिंग में करना है, कोई भी ड्राइविंग इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो सारी यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस आपको दी गई है, ठीक है, कि किस तरीके से यहाँ पे आपने रिकॉर्डिंग करनी है एंड यहाँ पे आपको जो कंपनसेशन मिल रहा है दैट इज $20, ठीक है, मतलब इस टास्क को जब आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे तो आपको $20 यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके के टास्क होते हैं रिलेटेड टू डेटा कलेक्शन जो कि अपडेट होते रहते हैं इस प्लेटफॉर्म पे फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, जिनके लिए आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग जरूर इस काम को भी एक बार ट्राई करें एंड यू नो अपडेटेड रहे इस प्लेटफॉर्म के साथ, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये इतना ज्यादा नोन नहीं है अभी इंडिया के अंदर भी, ठीक है, तो इंडिया से एटलीस्ट आप लोग मतलब जो लोग पहले इस पे अप्लाई करेंगे उनको चांसेस हैं कि जल्दी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स वगैरह मिल जाएं, ठीक है। तो मैं चाहूंगी आप लोग जरूर इस प्लेटफॉर्म पे ट्राई करें। सो गाइस आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, बट अगर स्टिल आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का लिंक मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगी, ठीक है, तो अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कराया तो कर लें, क्योंकि वहां पे भी हम आप लोगों को काफी सारी अपडेट्स देते रहते हैं रिलेटेड टू आर वीडियोस एंड ऑनलाइन अर्निंग। सो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो मैं चाहूंगी जरूर आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी अपडेट्स मिलते रहें रिलेटेड टू ऑनलाइन अर्निंग। सो गाइस इतना ही था फिर आज की वीडियो के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो, बाय guys.